जय श्री राम जी की दोस्तों दोस्तों आज मैंने दोपहर में यानी कि सुबह के समय एक शॉर्ट अपलोड किया था उसका विषय था कि हमें ईस्ट बार बार क्यों नहीं बदलने चाहिए और उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है शॉर्ट वीडियो था तो मैं ज़्यादा आप तक बात पहुंचा नहीं पाई थी गुरु तो जी ने बताया कि इष्ट गुरु और माता पिता केवल एक ही होने चाहिए और एक ही, ही होते ही हैं दोस्तों माता पिता के मामले में तो हम कुछ कर नहीं सकते हमारे एक ही माता पिता होते हैं वो तो ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर नहीं तो वो भी हम तरीके का आजकल जिस तरीके का समय चल रहा है तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हमें बार बार अपने गुरु और इष्ट क्यों नहीं बदलने चाहिए देखिए बहुत ही साधारण शब्दों तो का प्रयोग करूँगी क्योंकि मेरे पास बहुत ही साधारण सी बुद्धि है और उस बुद्धि के माध्यम से मैंने जितना समझा है वो ही आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि दोस्तों हम अगर किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो हमें उस चीज़ के प्रति ईमानदार होना पड़ता है ऐसा तो नहीं कि हम किसी को चाह रहे हैं और आज हम किसी और को चाहें कल हम किसी और को चाहें परसों किसी और को और उसके आगे किसी और को ऐसा तो नहीं होता हम किसी भी चीज़ की कामना करते हैं मान लीजिए हमें कोई नौकरी चाहिए तो हम उसकी कामना करते हैं उसके प्रति जब लगन लगाते हैं और उसके प्रति पूरी निष्ठा से हम अपना काम करते हैं तभी तो हम उसको प्राप्त कर पाते हैं इसी तरीके से इष्ट को चुनने वाली बात है नौकरी करना प्रेम करना घर परिवार चलाना ये एकदम अलग बात है लेकिन साधना पथ पर अग्रसर होना दोस्तों बहुत ही कठिन बात है जो सबको नहीं होती है क्योंकि हमारे पास एक तो हमारे जो ध्येय हैं उस पर हम भटकते रहते हैं कभी हमें कुछ चाहिए होता है कभी हमें कुछ चाहिए होता है कभी हमें कुछ चाहिए होता, होता है सही कह रही हूँ कि नहीं सही कह रही हूँ अगर आपको लगता है कि मैंने गलत कहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ और सत्य हमेशा कड़वा होता है दोस्तों पहली बात तो हमें ईश्वर से कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए हमारी केवल एक मांग होनी चाहिए कि वो परम पिता परमेश्वर हमें मिल जाए अगर आपकी ये सोच है कि वो भगवान हमें मिल जाए और उन्हीं को पाने के लिए आप प्रयासरत हैं तो यकीन मानिए आपकी साधना बहुत उच्च दिशा में चल रही है और आप बहुत जल्दी वो प्राप्त कर लेंगे जिसके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मानव दिमाग है थोड़ा ही सोच पाता है लेकिन जो ऊपर बैठा है ना जो पूरी सृष्टि को चला रहा है उसकी सोच समझने का तरीका उसके बारे में हम साधारण मनुष्य क्या जान पाएंगे दोस्तों जब हम बार बार इष्ट बदलते हैं उससे क्या होता है कि मान लीजिए हमने अपनी पूजा शुरू की ठीक है मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सत्य है कि मैंने शुरुआत में सबसे पहले भोले बाबा की पूजा शुरू की उस दिन पूजा पाठ किया उस समय मेरा मन भी नहीं लगता था पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा जो सत्य है वही बता रही हूँ आज से लगभग पंद्रह साल पहले की बात है ये तो पहले भोले बाबा की पूजा शुरू की कुछ समय तक पूजा किया व्रत किया कुछ मांगने बैठ गई होगी अब याद नहीं है वो मन्नत पूरी नहीं हुई किसी ने कहा कि आप संतोषी माता की पूजा कीजिए आपकी मनोकामना बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी उस समय संतोषी माता की व्रत बहुत लोग कर रहे थे मैं भी लग गई उसी लाइन में पूजा पाठ करने लगी व्रत भी करने लगी उद्यापन भी करने लगी धीरे धीरे दोस्तों मेरा मन संतोषी माता से भी उखड़ने लगा भई माँ है आप कोई सामान बेचने खरीदने तो चले नहीं हैं कि आपने तुरंत मांगा और माँ ने तुरंत दे दिया वो आपको परखेंगी वो जानेंगी कि जो चीज़ मैं मांग रही हूँ वो सही है कि नहीं सही है तब तो आपको मिलेगी ऐसे थोड़े ना कि आपने कह दिया कि मुझे दस करोड़ चाहिए और माँ ने तुरंत आपको दस करोड़ दे दिए ऐसा नहीं होता है फिर मैंने क्या किया कि मेरा मन जो था संतोषी माता से भी उखड़ गया मैंने अपनी रेल जो थी वो साईं बाबा की तरफ मोड़ ली उस समय दोस्तों साईं बाबा की पूजा बड़े जोरों शोरों पे थी मंदिरों में बहुत भीड़ लगती थी सब लोग बोले बड़े चमत्कारी भगवान जी हैं सबकी मनोकामना पूरी करते हैं तो मैंने भी वही लाइन पकड़ ली और मैं भी लग गई साईं बाबा की पूजा में लेकिन कहते नहीं हैं कि भटकता मन कभी भी एक जगह नहीं रह सकता और जो मन एक जगह नहीं रह सकता वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता साधना की सफलता हमारी एकाग्रता हमारी एक निष्ठा हमारे विश्वास और भरोसेपिटी टिकी होती है फिर जब मैं 2016 में बहुत बीमार हुई और मुझे संकट हुआ फिर मैंने जाना कि हनुमान जी की पूजा मुझे करनी है मुझे वहाँ से ये आदेश मिले थे बालाजी से कि मुझे हनुमान जी की पूजा करनी है ठीक है मैंने उसका पालन करना शुरू कर दिया लेकिन धीरे धीरे दोस्तों वो पूजा जो थी वो लगन में बदल गई वो लगन जो था वो प्रेम में बदल गया और वो जो प्रेम था वो धीरे 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 पागलपन की हद हाँ तक पहुंच गया यानी कि वो पागलपन कभी और बताऊंगी मैं आपको बता रही हूँ कि फिर मुझे वो आभास हुए जो मैंने इससे पहले कभी भी महसूस नहीं किए थे कैसे महसूस होते थोड़े थोड़े दिन पर तो मैं अपने भगवान को बदल रही थी अरे कोई भगवान कुछ दिन बाद कुछ देने को तैयार होते तब तक मैं दूसरे तरफ मुड़ जाती थी थाली के बैगन नहीं होता है इधर से उधर तो ये नहीं होना है ना आपको बिल्कुल एक स्थिर मन को रखना है स्थिर मन वाला साधक ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है तो फिर मैंने जब हनुमान जी को अपना इष्ट बनाया तो हनुमान जी की कृपा से मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई और सच बताऊँ तो आज मेरे पास वो सब कुछ है जो बाबा को लगता है कि मेरे लिए ज़रूरी है मेरा जीवन अच्छे से चल रहा है मेरे बच्चे अच्छे हैं परिवार अच्छा है और एक व्यक्ति को क्या चाहिए उसके बाद जब मैं पूजा पाठ करती रही करती रही काफ़ी साल से हनुमान जी की पूजा कर रही हूँ फिर पिछले दो साल पहले की बात बता रही हूँ कि मुझे भोले बाबा से एकदम से पता नहीं कैसे कनेक्शन सा जुड़ गया जब दोस्तों आपके इष्ट चाहते हैं कि आप किसी देव की पूजा कीजिए तो वो आपको उनके तरफ़ खुद ही मोड़ देंगे आपको नहीं करना है ये आपको अपना विश्वास केवल और केवल एक ही भगवान पर टिका कर रखना है नहीं मेरा तो काम आप ही करोगे कैसे करोगे कब करोगे वो मुझे नहीं मालूम है लेकिन आप ही मेरे सब कुछ हो प्रेम में दोस्तों एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है चाहे वो मानवीय हो और चाहे वो ईश्वरी हो तो आप समझ गए होंगे कि आपको इष्ट का चुनाव करना क्यों महत्वपूर्ण है और हमें क्यों बार बार अपने इष्ट और भगवान को नहीं बदलना चाहिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिएगा इसी के साथ जय श्री राम जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों